देश के राजधानी दिल्ली में हम लोग मौजूद हैं और ये इंडिया गेट है। आज इंडिया गेट के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे पहले जो है इंडिया गेट के चारों तरफ से आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से इसकी जो बनावट है और कितनी खूबसूरत है। और इंडिया गेट के सामने में अगर बीचों बीच आप देखेंगे तो आपको एक प्रतिमा नज़र आ रहा होगा। वो प्रतिमा जो है सुभाष चंद्र बोस की लगाई हुई है, देश को जो है सैल्यूट कर रहे हैं। और ये जो प्रतिमा जो बीच में इस कदर सेट किया हुआ है ताकि ये दोनों साइड का वो बीचों बीच है। अगर आप शाम को आएंगे तो शाम के समय इसमें जो लाइट फिट किया हुआ है वो लाइटिंग जो है बहुत ही गजब तरीका से दिखता है। और ऊपर का जो आपको हिस्सा दिख रहा होगा, ऊपर में जो आपको इंडिया जो दिख रहा होगा लिखा हुआ, वो इंडिया के ऊपर में जो है जो देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका जो है वहाँ पर सिंबल दिया हुआ है। अगर आप शाम को आएंगे, शाम को देखेंगे तो वहाँ पर जो है राष्ट्रीय जो ध्वज है तिरंगा का आपको प्रतीत नज़र आएगा। हालांकि अभी दिन है, दिन में जो लाइट का जो व्यवस्था है वो नहीं है, इसके वजह से वो जो लाइटिंग जो दिखता है वो नहीं आपको दिख रहा होगा। इसके अगर नीचे में जो इंडिया गेट का जो पिलर है उसके नीचे में अगर आप देखेंगे तो चारों साइड से जो है आपको फ्लावर नज़र आएगा। और ये फ्लावर जो है काफ़ी खूबसूरत अंदाज में जो है इंडिया गेट को आपको दिखा रहा है। इसके अलावा हम आपको जूम करके दिखाएंगे जो इंडिया गेट के जो दीवारें हैं, जो दीवार है जो उस पर देखेंगे जो आपको छोटा छोटा अक्षर में कुछ ना कुछ आपको दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं ये जो हमारे देश में जो शहीद हुए हैं, जो हमारा जो देश अंग्रेज़ों का हीन में था, गुलाम था, कुर्बानियां दिए थे, उन लोगों का जो है नाम है। और वो लगभग लगभग दीवार के दोनों साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। ताकि अगर हम आपको ये दिखाएँ तो ये लगभग देश के हर एक कोने से लोग आते हैं और यहाँ पर लाखों करोड़ों की भीड़ लगती है। ये चारों साइड में जो आप देख रहे होंगे सारे लोग जो हैं, जनसंख्या काफ़ी है और लोग जो हैं काफ़ी दूर दूर से और देश विदेश से भी लोग आते हैं। इसके सामने में आपको और दिख रहा होगा जो आपको काफ़ी दूरी पर जो है दो गुंबज आपको नज़र आ रहा होगा, वो राष्ट्रपति भवन है। ये राष्ट्रपति भवन के सामने में जो है इंडिया गेट है और इंडिया गेट के सामने में जो है राष्ट्रपति भवन है। राष्ट्रपति भवन के जस्ट बगल में आप जाएंगे तो संसद आपको भवन मिलेगा। अगर वहाँ भी शाम को अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका जो कलर है वो गुलाबी दिखेगा और काफ़ी खूबसूरत दिखेगा। साइड में अगल बगल जो है फुहारे आपको नज़र आएंगे। शाम के समय जो लाइट है फुहारे की लाइट है वो कहीं ना कहीं हमारा देश का जो तिरंगा जो ध्वज है उससे आपको मिलता जुलता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं आते हैं और कहीं ना कहीं अपनी यादगार के रूप में जो है अपनी मोबाइल में कैमरे में जो है वो तस्वीर जो है लेकर जाते हैं। देख पा रहे होंगे तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं। आपको मैं सामने में जो प्रतिमा जो हम आपको दिखाएं जो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा है उससे पीछे में आप जाएंगे तो ये जो है हमारे देश के में जितने भी शहीद हुए हैं वो शहीदों का जो है लिस्ट है वहाँ पर जो दीवारें बनी हुई है वो आपको नाम मिल जाएगा। और वहाँ पर जो है अमर जो हुए हैं जो शहीद हुए हैं वहाँ पर श्रद्धांजलि जो है दी जाती है। और वो श्रद्धांजलि जो है आप भी दे सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑनलाइन डिजिटल श्रद्धांजलि जो है दिया जाता है वहाँ पर होता है। वहाँ का हालांकि सिस्टम अगर आप जाएंगे तो चारों साइड से जो है एक जो घड़ी है, एक एग्जांपल अगर हम आपको बताएं तो एक घड़ी के जैसा जो है घड़ी में जो आपका सुई जैसे किनारे से टक 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 करके करता है उसी हिसाब से आप वहाँ पर नीचे जाएंगे और वहाँ पर जितने भी जवान जो हमारे देश में जो शहीद हुए हैं उन लोगों का जो है श्रद्धांजलि दी जाती है। और वहाँ पर एक जवान जो है जो 2400 घंटा जो है सैल्यूट करके हमारा देश को जो है हमारे देश में जो अमर हुए हैं जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। हालांकि जो दीवार है दीवार के चारों साइड में फ्लावर है जो काफ़ी कहने के एक खूबसूरती का एक बहुत ही अच्छा एक खूबसूरती है। और ये देख सकते हैं ये एरिया जो है ये पूरा के पूरा एरिया जो है कितनी अच्छी और कितनी खूबसूरत एरिया आपको दिख रहा होगा। ये इंडिया गेट है और इंडिया गेट के बाद अभी हम लोग कुतुब मीनार जाने वाले हैं। और इससे पहले जो है जहां पर महात्मा गांधी की समाधि
दी जाती है, जो राज घाट है वहाँ पर भी हम लोग गए और वो तस्वीर भी हम लोग दिखाएँ। ये चारों साइड में आप देख सकते हैं और काफ़ी लोग जो हैं यहाँ से देश विदेश से भी लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। हालाँकि ये लाइटिंग आपको दिख रहा होगा, ये जब शाम होता है, जिस समय सूर्य ढल जाती है, उस समय का ये लाइटिंग जो है पूरा ये दीवार पर पड़ता है और इसकी जो चमक है और ये खूबसूरती है, काफ़ी वो खूबसूरती भी आपको नज़र आ जाएगा। हालाँकि इसके अलावा अगर आप जाएंगे, इसके सामने में आपको फुहारा नज़र आ रहा होगा। ये फुहारा जो है कहने के, ये भी एक खूबसूरती का एक हिस्सा है और ये काफ़ी खूबसूरत आपको दिख भी रहा होगा। इसके साथ अगर यहाँ से लगभग, जैसे कि हम आपको राष्ट्रपति भवन दिखाए, लगभग ये एरिया जो है लगभग आपका 2 किलोमीटर के दूरी पर जाता है और ये 2 किलोमीटर के अंदर में अगर आप जाएंगे तो दोनों साइड, जो अभी हम बीच में खड़े हैं, ये लेफ्ट और ये राइट, दोनों साइड में आप जाएंगे तो आपको फुहारा जो है वो नज़र आएगा। और अभी जो है हम लोग टूर पर हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं है जब हम आपको बहुत ज़्यादा कुछ दिखा सकते हैं, लेकिन ये तस्वीर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है लोग जो हैं दुनिया के प्रत्येक कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। हालाँकि ये देख सकते हैं और ये पार्क जैसा बनाया हुआ है ताकि यहाँ पर लोग जो कपल लोग आते हैं वो बैठ सकते हैं, वो आराम कर सकते हैं, क्योंकि जगह जगह पर बैठने के लिए जो है गार्डन है, पार्क बनाया हुआ है। ये तस्वीर वो बीच का जो हिस्सा है, जो इंडिया गेट का बीच का हिस्सा है, वो हिस्सा भी आप देख सकते हैं, इस हिसाब से खूबसूरत है। और ऊपर में जो है कबूतर भी नज़र आ रहा होगा, वो कबूतर भी आपको जो पक्षी है वो है। हालांकि अगर हम बात करें तो ये यहाँ का जो मौसम है या फिर जो हवाएं चल रही है, मानो ऐसा लगता हो जैसा हम लोग जो हैं एक समुंदर के किनारे हैं, ठंडी ठंडी हवा, और यहाँ के मौसम जो है काफ़ी लाजवाब मौसम है और मौसम भी बहुत ही अच्छा है और यहाँ का जो हवाएँ हैं काफ़ी खूबसूरत हवा है। इसके साथ आगे हम लोग और जाएंगे जहाँ पर सुभाष चंद्र बोस की जो स्टैचू दिख रहा होगा, जो प्रतिमा लगा हुआ है, और वो कहीं ना कहीं हमारे देश में जो जवान शहीद हुए हैं उन्हें सैल्यूट कर रहे हैं। ये फोटो में शेयर के लिए। हेलो, कहाँ से हैं? हम दिल्ली से। दिल्ली से ही? हाँ, हैं। हाँ। पहली बार आए, इससे पहले भी आए थे? नहीं सर, पहले भी आए। पहले भी आए? हाँ, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कहाँ हाँ से हैं आप? दल्लूपुरा से। दिल्ली से कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कहाँ कहाँ घूमे अभी? अभी हम जस्ट अभी आए हैं, जू से आए हैं एंड देन अभी यहाँ आए। और कहाँ से हैं? दिल्ली से, उत्तराखंड। चलिए, हालांकि आपको हम बता दें, ये सेल्फी लेने का एक बहुत ही अच्छा जगह है और यहाँ पर हैं। इसके साथ साथ और काफ़ी लोग हैं। अभी हम लोग वापस अब जाएंगे और यहाँ से जो है हम लोगों का दूसरा जो टूर है वो कुतुब मीनार है। तब तक के लिए जय हिंद।